बीच हमारी सहयोगी पूजा त्रिपाठी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। दरअसल कैप्री ग्लोबल में आज 12% की शानदार तेजी हमने आती हुई देखी है, और इसके पीछे के क्या कारण है पूजा ने पूरा किया है विश्लेषण, बताएं पूजा। जी, कैप्री ग्लोबल में आज हम देख रहे हैं सुबह से ही तेजी देखने को मिल रही है, और इसके पीछे वजह यह है कि आज सुबह कंपनी ने एक्सचेंजेस में ये घोषणा की कि वो इंश्योरेंस प्लेटफॉर्म में अब जल्द ही एंट्री लेने वाली है, और दिसंबर 2023 में कंपनी को कॉर्पोरेट एजेंसी लाइसेंस भी मिल चुका था IRDAI की तरफ से, और जिसके जरिए कंपनी अब लाइफ, जनरल, हेल्थ इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन में कंपनी को ये लाइसेंस मिला है, तो ये वो डिस्ट्रीब्यूट करेगी। अब ये इतनी बड़ी खबर इसलिए क्योंकि इसके जरिए ये माना जा रहा है कि इंश्योरेंस क्रॉस सेलिंग के जरिए कंपनी की FY25 तक करीब 20 करोड़ की फीस इनकम होने की संभावना बताई जा रही है। यही नहीं, पिछले काफ़ी समय से हम देख रहे हैं कि स्टॉक में एक तेज़ी बनी हुई है, और उसके पीछे भी काफ़ी सारे ट्रिगर्स हैं। कंपनी के फाइनेंशियल्स पिछले काफ़ी समय से अच्छी ग्रोथ वहाँ पर देखने को मिल रही है। FY18 से 23 के बीच कंपनी के AUM में 31% की औसत ग्रोथ देखने को मिली, और अब ये भी कंपनी टारगेट लगा लेके चल रही है कि FY27 अंत तक 300 करोड़ के AUM का लक्ष्य है, और FY27 के अंत तक 14-15% के ROE का भी लक्ष्य कंपनी ने अपने लिए तय किया गया है। यही नहीं, पिछले 2 सालों में कार सेगमेंट में भी तेजी से ग्रो करने वाली कंपनी है लोन बांटने में, और डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो के कारण कंपनी का एसेट पोर्टफोलियो भी काफ़ी स्थिर है। हम ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए का ट्रेंड देखें तो पिछले काफ़ी समय से कंपनी उसको मेंटेन किए हुए है, काफ़ी अच्छे नंबर्स वहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। इस वजह से हम देख रहे हैं कि लगातार एक तेज़ी बनी हुई है, और अब ये जो खबर आ रही है कि अब इंश्योरेंस स्पेस में भी कंपनी एंट्री करेगी, जल्द ही उस पर प्लेटफॉर्म डेवलप करेगी, इसकी वजह से भी आज हम देख रहे हैं कि स्टॉक में ज़ोरदार तेज़ी देखने को मिल रही है। शुक्रिया पूजा इस पूरे एनालिसिस के लिए। तो मानस, तमाम तेजी के ट्रिगर्स की बदौलत अब यहाँ पर कितने लंबी या कितनी छोटी कॉल आपको लगता है कि ली जा सकती है कैप्री ग्लोबल में? रेजिस्टेंस जो कि 840 रुपए पे था, स्टॉक ने उसको ब्रीच किया था, हालांकि हाई लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिली थी, लेकिन उस प्रॉफिट बुकिंग में भी 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक नहीं गया। आज के पैटर्न को देख के लग रहा है कि फिर से स्टॉक 940 रुपए के ऊपर निकल के 990 रुपए की तरफ जाने की कोशिश करेगा, तो अभी भी खरीदारी करने के मौके या कोई डिप मिले तो आप 910 से 900 रुपए की रेंज में स्टॉक में खरीदारी करिए, 860 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और 990 के टारगेट सेट करिए। के टारगेट 707 का स्टॉप लॉस कैप्री ग्लोबल में तमाम तेजी के ट्रिगर्स के बदौलत आप ले सकते हैं।